नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं MPPNST की जो एग्ज़ाम है उसके लिए मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। इसमें हम करेंगे आज 100 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा। अगर आपको ये लेना है तो आप 99 रुपये में आपको ये ऐसे 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। कितने? 15, जिसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे। मैं आपको आज पूरा इस वीडियो में बताऊंगा ये क्वेश्चन हम करेंगे। इस तरह से आपको प्रैक्टिस पेपर की PDF मिलेगी। जिनको चाहिए वो परचेस कर सकते हैं मात्र 99 रुपये में। और जिन्होंने ले लिए हैं ANM वालों ने, उनको ये लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ANM और PNST दोनों का सिलेबस सेम है, तो दोनों के क्वेश्चन भी सेम रहेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं लिए हैं, जो लेना चाहते हैं वो ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम पे। तो मैं बता देता हूँ इसमें आपको हम क्या क्या पढ़ाएंगे। आज GK के क्वेश्चन रहेंगे 20, बायोलॉजी के 20, फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20 और इंग्लिश के 20, ठीक है। 100 नंबर का आपका पेपर आने वाला है, तो ये देखते हैं किस तरह से आपका क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जिनको लेना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या डेली की फ्री क्लासेज चल रही हैं तो उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर लेना या नहीं लेना। चलिए, इसके अलावा ओल्ड पेपर भी हैं 2007 से 2019 तक 49 रुपये में। तो जिनको जो भी लेना है वो आपके ऊपर है, ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज को वीडियो कैसा लगा और आपके कितने नंबर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस उत्पादन में देश में अग्रणी है? मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस उत्पादन में देश में अग्रणी है? तो कौन सा उत्पादन? सी, सोयाबीन के उत्पादन में देश में अग्रणी है। रेन बसेरों में दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, एक मिनट में थोड़ा सा छोटा करूँगा, देख जाएगा। रेन बसेरों में रह रहे निर्धन को 5 रुपये में रात्रि का खाना उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना का मध्य प्रदेश सरकार ने 25 सितंबर 2010 को शुभारंभ किया था? कौन सी योजना 25 सितंबर 2010 को शुभारंभ किया था? राम रोटी योजना का। किसका? राम रोटी योजना। ऑप्शन आपका आ जाएगा बी वाला। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? वेरी वेरी गुड। तो मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्वालियर अखबार। कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर अखबार हो जाएगा। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो होगा वो आपका ग्वालियर अखबार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय पार्क में सफ़ेद शेर मिलेंगे? मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय पार्क में सफ़ेद शेर मिलेंगे? वेरी गुड, सी वाला, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय पार्क में सफ़ेद शेर मिलेंगे? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। चंदेरी निम्न में से किससे विख्यात है? चंदेरी निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? चंदेरी जो है वो किसके लिए विख्यात है, बताइए। वेरी गुड, चंदेरी जो हो जाएगी वो साड़ियों के उद्योग के लिए। किसके लिए? साड़ियों के उद्योग के लिए चंदेरी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? वेरी गुड, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना सी हो जाएगी, गांधी सागर नदी परियोजना। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंदौर में है। कहाँ पर है? कपास अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बताइए। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, ये आपको डेमो के रूप में बताया है। इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे, तो आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं 99 रुपये। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है 21.6 उत्तरी अक्षांश से 26.54 तथा 54 डिग्री पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 47 देशांतर था।
कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरेगी? तो कर्क रेखा जो है उत्तरी भाग से गुजरेगी। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग से गुजरेगी, सी वाला। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व जो आ जाएगा वो 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 236 प्रति वर्ग किलोमीटर, 2011 की जनगणना के अनुसार। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। वेरी गुड। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय जो है वो है जबलपुर में है, जबलपुर में। चलिए, जबलपुर, रीवा, इंदौर और दक्षिण शिवपुरी में जो वन पाए जाएंगे, जबलपुर, रीवा, बालाघाट, इंदौर और दक्षिण शिवपुरी में जो वन पाए जाएंगे उन्हें आप क्या कहोगे? जबलपुर, रीवा, बालाघाट, इंदौर और दक्षिणी शिवपुरी में जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मानसूनी वन। कौन से वन? मानसूनी वन कहेंगे। ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। जबलपुर, रीवा, बालाघाट, इंदौर तथा दक्षिण शिवपुरी में जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मानसूनी वन। चलिए, अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करती है? मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या जो है 5.99% निवास करती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कृष्ण मृगों के लिए, किसके लिए? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कृष्ण मृगों हेतु प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटों की संख्या है 230। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि को सुदृढ़ बनाना। क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि को सुदृढ़ बनाना। समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? इंदिरा गांधी पुरस्कार। समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार जो है इंदिरा गांधी पुरस्कार, ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। उत्तर पूर्वी रेलवे का वेगेन वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी रेलवे का वेगेन वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? यह है आपका भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में के प्रति हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन कितना रेल मार्ग है? 12.9%। मालवा के पठार की नदियां कौन सी हैं? मालवा के पठार की नदियां जो हो जाएगी वो हो जाएगी शिप्रा, चंबल, काली सिंध। मालवा के पठार की नदियां जो हो जाएगी ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अरे, अगला क्वेश्चन है 20वें नंबर का, बारना नदी, बारना नदी की नहरों से किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो बारना नदी की नहरों से रायसेन जिले में सिंचाई की जाती है। ये आपके जीके के क्वेश्चन हो चुके हैं 20। अब हमारा आ जाता है बायोलॉजी। बीज नहीं उत्पन्न करने वाले पौधे से नए पीपे तैयार करने के किस तकनीक कार का उपयोग किया जाएगा? बीज नहीं उत्पन्न करने वाले पौधों से नए पीपे तैयार करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ब्रायोफिल्म की पत्तियों के कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधों में विकसित हो जाती हैं, यह किस प्रकार की प्रजनन विधि है?
ब्रायोफिल्म की पत्तियां के कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधे में विकसित हो जाती हैं। ये जो है ये आपका कायिक प्रवर्धन है। क्या है? कायिक प्रवर्धन। एक फूल के परागकण एक ही फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? एक फूल का परागकण एक ही फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होना क्या कहलाएगा? एक फूल के परागकण एक ही फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होता है तो उसे हम कहते हैं स्वपरागकण। क्या कहेंगे? स्वपरागकण। एक फूल से पराग एक ही पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होता है उसे आप क्या कहोगे? उसे हम कहेंगे संकरण परागण। अगला क्वेश्चन है, किस तकनीक में पौधे के उत्तक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे शीर्ष के वर्धमान भाग से अलग कर नए पौधे उगाते हैं उन्हें आप क्या कहोगे? किसी भी तकनीक में पौधे के उत्तक अथवा उनकी कोशिकाओं को पौधे शीर्ष के वर्धमान भाग से अलग कर नए पौधे उगाते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्तक प्रवर्धन। क्या कहेंगे? उत्तक प्रवर्धन कहेंगे। अगले नंबर का क्वेश्चन, राइजोपस के कवक में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होगा? राइजोपस के कवक में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होगा? तो राइजोपस के कवक में जो होगा वो आपका बीजाणु समागन। क्या होगा? बीजाणु समागन होगा। राइजोपस के कवक में किस प्रकार का अलैंगिक जनन हो जाएगा? तो बीजाणु समागन हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होगा। अलैंगिक जनन कौन से मुकुलन द्वारा होगा? अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होगा। तो अलैंगिक जनन जो होगा यीस्ट के द्वारा होगा। किसके द्वारा? यीस्ट के द्वारा। ऑप्शन आपका बी वाला। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? शुक्रवाहिका। मादा जनन तंत्र का भाग सी वाला। नर युग्म और मादा युग्म के संयोजन से क्या बनेगा? नर युग्म और मादा युग्म के संयोजन से क्या बनेगा? जिनको डेली क्लास नहीं मिलती है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सी क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट। मनुष्य कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? मनुष्य कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? मनुष्य कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या जो हो जाएगी वो 23 जोड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 23 जोड़े हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। कैलस का निर्माण होता है। कैलस का निर्माण किससे होगा? कैलस का निर्माण मुकुलन कायिक बीजाणु उत्तक संवर्धन। कैलस का निर्माण जो होता है उत्तक संवर्धन में होगा। किसमें होगा? कैलस का निर्माण उत्तक संवर्धन में। उत्तक संवर्धन ऑप्शन डी वाला। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? अंडाणु जो होता है वो कहाँ पर निषेचित होगा? अंडाणु जो होता है अंडवाहिकाओं में। किसमें? अंडाणु जो होता है वो अंडवाहिकाओं में निषेचित होगा। हाइड्रा में प्रजनन विधि क्या है? हाइड्रा में प्रजनन विधि क्या है? हाइड्रा में प्रजनन विधि जो हो जाएगी मुकुलन हो जाएगी। मुकुलन। भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। कहां पर होता है? भ्रूण का विकास गर्भाशय में। ऑप्शन सी। उभयलिंगी जीव कौन सा है? बकरी बाघ हिरण केंचुआ। उभयलिंगी जीव। उभयलिंगी जीव हो जाएगा केंचुआ। शुक्राणु किससे बनता है? भाई शुक्राणु बनता है। शुक्राणु किससे बनेगा? तो शुक्राणु बनेगा आपका डी वाला। वृषण से। वृषण से बनेगा आपका शुक्राणु। चलिए, पौधे में मादा युग्म कौन कहलाएगा? पौधे में मादा युग्म कौन कहलाएगा? अंडाशय भ्रूणपोष बीजांड या इनमें से कोई नहीं। पौधे में मादा युग्म कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका बीजांड। वृषण अवस्थित होता है। वृषण किसमें अवस्थित होता है? वृषण किसमें अवस्थित होता है?
तो वृषण जो होता है आपके वृषण कोश में, किस में होता है? वृषण जो होता है वृषण कोश में होता है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निषेचन के बाद युग्म क्या बनता है? निषेचन के बाद युग्म नज क्या बनता है? नर, मादा, भ्रूण या इनमें से कोई नहीं। निषेचन के बाद जो बनता है वो भ्रूण बनता है। किस जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडार संचित होता है? किस जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडार संचित होता है? किस जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडार जो होता है संचित होता है? नर जनन और मादा जनन, किसमें? नर और मादा, इन दोनों। पृथ्वी का पलायन वेग, ये आप पृथ्वी का पलायन वेग, ये आ गए आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री के, बायोलॉजी खत्म। पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। किस तुल्यकालीन उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है? किसी भी तुल्यकालीन उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जो होती है वो होती है आपका 36,000 के। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ग्रहों की गति से संबंधित नियम जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ग्रहों की गति से संबंधित नियम जो था वो हमारा दिया था केपलर भाई साहब ने दिया था। किसने दिया था? केपलर भाई साहब ने दिया था। द्रव्य की पांचवी अवस्था कौन सी? आइंस्टीन संघनी, बोस आइंस्टीन संघनी, द्रव की पांचवी अवस्था। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किस पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है? यह नियम किसने कहा था? प्रत्यावस्था की सीमा के अंतर्गत किसी भी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसके उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है, यह नियम जो है ये है आपका हुक का नियम। कौन सा है? हुक का नियम। ये आप देख लीजिएगा, इस तरह से प्रैक्टिस सेट रहेंगे, 99 रुपये में मिलेंगे, जिनको लेना है ले सकते। इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इससे क्या होगा, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी आपके एग्जाम तक, 15 सेट हैं इसे, ठीक है? वेरी गुड, डी वाली। एक्सरे हैं, सूक्ष्म है, दृश्य है, ध्वनि तरंगे नहीं, ऑप्शन डी। हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हुक का सिद्धांत जो है प्रत्यास्थता से संबंधित, ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। द्रव्य में आंशिक या पूर्ण डूबे हुए किसी भी ठोस द्रव्य ठोस द्वारा प्राप्त उछाल मात्रा किस पर निर्भर करती है? द्रव्य में आंशिक या पूर्ण डूबे हुए किसी भी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल मात्रा जो है वो है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो कौन सा परिणाम सही होगा? यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो कौन सा परिणाम सही होगा? तो आपका बी वाला हो जाएगा कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक। धारा विद्युत में आवेश रहेंगे, धारा विद्युत में आवेश रहता है, कौन सा आवेश रहता है धारा विद्युत में? धारा विद्युत में आपका रहेगा कौन सा आवेश? बी वाला, गति की अवस्था में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो हो जाएगा वो आपका एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। शुष्क शैल में ऋण इलेक्ट्रोल किस धातु का होता है? शुष्क शैल में विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। शुष्क शैल में ऋण इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का होता है वो जस्ते का होता है, बी वन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शुष्क शैल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता? शुष्क शैल में धन इलेक्ट्रोड जो होता है वो आपके कार्बन का होगा। कहाँ किसका होगा? कार्बन का।
विभवांतर मापने वाला यंत्र को आप क्या कहते हो? विभवांतर मापने वाले यंत्र को आप क्या कहोगे?